दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों देखिए, आज हमारे पास रेडमी का नोट 7 प्रो मॉडल है। और देखिए दोस्तों, इसका ऊपर का जो टच ग्लास होता है वो टूट चुका है, तो आज हम बिना OCA के इसमें टच ग्लास लगाएंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कैसे हमें लगाना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इसका टच प्रॉपरली वर्क कर रहा है, क्योंकि इसका टच जो डिस्प्ले में आता है और हम इसके ऊपर ग्लास लगाएंगे, जो हमारा टच ग्लास होता है। देखिए, हमने एक टच ग्लास भी मंगा रखा है रेडमी नोट 7 प्रो का। इसको बिल्कुल आसानी से हम इसमें लगा लेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें इसका, देखिए ये जो कोर होता है किनारे का, इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ताकि कहीं पे ग्लू ना रहे। इससे हमारा टच ग्लास जो होता है आसानी से बैठ जाता है, फिट हो जाता है। उसके बाद हमें इसमें डिस्प्ले जो है, पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ताकि कोई कचरा या ग्लू ना लगा हो। और इसके बाद हम जो किनारे किनारे पर कोर है, उस पर ग्लू लगाएंगे, और उसकी मदद से हम इसको आसानी से चिपकाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास ये जो T7000 ग्लू है, इसी की मदद से हम टच ग्लास को चिपकाएंगे। तो हमें किनारे किनारे ग्लू लगा लेना है, हमें ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा ग्लू हो जाने के कारण यह डिस्प्ले पे फैल जाता है किनारे से। तो हमें नॉर्मली लगाना है। तो हम पहले चारों तरफ ग्लू लगा लेते हैं, इसके बाद हम दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, हमने चारों तरफ ग्लू लगा लिया है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सेंसर होता है, वहाँ पे हम ग्लू को हल्का सा साफ़ कर लेंगे, ताकि सेंसर हमारा ढके नहीं। और इसके बाद हम टच ग्लास जो होता है उसको आसानी से इस पर फिट कर देंगे। तो इसको हम रेपर पहले निकाल लेंगे, और जो कोई भी दाग वोग होगा रेपर के ऊपर से, तो उसे हम कपड़ा से एक अच्छे साफ़ कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें लगाएंगे, क्योंकि ये जो रेपर लगा होता है ग्लास पे, उसका भी इस पे दाग आ जाता है, तो दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। तो उसके लिए हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे, और इसके बाद हम अच्छे से इसमें बैठा लेंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसानी से ये लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम OCA का यूज नहीं किया है, क्योंकि OCA लगाने के लिए दोस्तों हमारे पास पंचिंग मशीन होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हमारे पास पंचिंग मशीन नहीं है, तो हम इसको इसी तरह से भी लगा सकते हैं। ये 100% वर्क करेगा, हम आपको टेस्ट करके भी दिखाते हैं। देखिए, ये पूरी तरह प्रॉपरली वर्क कर रहा है। दोस्तों हम इसके बाद इस पे रबर लगा देंगे, ताकि हमारा जो टच ग्लास हो वो अच्छे से अपनी जगह चिपक जाए, इधर उधर ना निकले। तो उसके लिए हमें इस पे रबर लगाना होगा।
दोस्तों हमें यह रबड़ 2 से 3 घंटे तक इस पे लगा कर छोड़ देना है, क्योंकि 2-3 घंटे में यह चिपक जाएगा तो फिर ये उखड़ता नहीं है। देखिए दोस्तों ये प्रॉपरली चल रहा है, यहाँ पे कोई किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का वीडियो आपको डेली अपडेट देखने को मिलेगा यूट्यूब पे। दोस्तों इसकी मदद से हम बिल्कुल आसानी से, देखिए यहाँ पे टच ग्लास लगा चुके हैं और ये प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखिए वर्क कर रहा है, ये रबड़ लगा है इसलिए।